चीकू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ऐसे एड मेरे अखबार में नहीं छपे। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? पैसे दे रहे हो हमें। आई डोंट केयर अबाउट दैट रेवेन्यू चीकू। पर भाई, फिर न्यूज़पेपर कैसे चलेगा? तेरी गाड़ी बेच दे। भाई क्या कमें? सर वो सुगर मिल वाली स्टोरी हो गई है। तब? और वो रविंद्र टैलेंट का इंटरव्यू? नो सर, वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? सर मैं इसी स्टोरी में बिजी था। Just give me one day, I will do that. एक दिन और चाहिए तुम। ये तुम्हारा best है। Please take it and go. दिया से पूछो best क्या होता है? वो करती है अपना best. एक दिन में 3 stories लेकर आती है। सर मैं आज करके देता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं। दिया से बोलो वो कर लेगी। सर दिया is not here. हाँ भाई, actually वो सुबह से दिखी नहीं है। आई नहीं। सर, please give me one chance. मैं आज करके देता हूँ। शाम को 7 बजे तक मेल कर देना। ओके थैंक्स सर। आई डोंट गेट इट। क्या हुआ क्या लोगों को? किसी को काम करने में मजा नहीं आता, किसी में कोई पैशन नहीं, कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं, बस टाइम पास करने आ जाते हैं। भाई आपने सोचा कि ये सब दिया के ना होने की वजह से? सिर्फ एक दिन दिया नहीं आई है, सब कुछ फैल गया। वो है क्या मैडम? मुझे ये बता, कोई फोन आया? किसी ने कुछ इन्फॉर्म किया? एक मैं पता कर लेता हूँ। छोड़ रहने दे, जान दे, मत कर। देखा क्या बोल रहा है? आंटी आंटी क्या बात है बताइए ना, वो दिया इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? क्या हुआ क्या उसको? डॉक्टर ने क्या बोला है? कुछ नहीं बेटा, कल जो तुम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी वजह से उसे गहरा सदमा पहुंचा है और उसके सर पे गहरी चोट भी आई, बस इसीलिए वो ऐसे कर रही है। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। नहीं आंटी, मेरी दिया जो है ना वो बहुत बहादुर है, वो इतने छोटे मोटे सदमों से हार मानने वाली नहीं है। आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है। करण तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। बस करो निर्मला, अरे कितना झूठ बोलोगी तुम और किस किस से झूठ बोलोगी बता दो इसे। ये दिया का मंगेतर है, उसका होने वाला पति, बताओ इसे। आंटी बताइए ना, दिया को क्या हुआ? आप मुझे अंकल, आप मुझे बताइए ना क्या हुआ है, साफ साफ बताइए ना दिया को क्या हुआ है। अरे मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं, क्या हुआ क्या उसको? क्या बताऊं बेटा, किस मुंह से बताऊं? हमारी दिया की इज्जत बेटा, हम तो किसी को मूठी खाने के लायक नहीं रहे बेटा। अंकल अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी दिया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है तुझे? बलात्कार हुआ है दिया के साथ।
She has been brutally raped. तू साथ था ना उसके? आज तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है और तू कुछ नहीं कर पाया। क्या कर रहा था तू वहां? क्यों कुछ कर नहीं पाया तू? क्यों? क्या कह रहे हो तुम करण? यह किस गलत का इतना बड़ा हादसा हो गया दिया के साथ? कैसी अनहोनी हो गई? अरे माँ, वो लोग तो बता ही नहीं रहे थे कुछ। वो तो जब मैंने दिया की हालत देखी ना, तो मुझे कुछ शक हुआ। तो मुझे समझ में आया कि बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद उनको इंसिस्ट किया ना, तब बताया उन लोगों ने जाके। करण, इतनी बड़ी बात कैसे कोई बताएगा? मुझे दिया से मिलना है करण, अभी। अरे माँ, आए क्या कह रही हैं आप? मैं जा रही हूँ दिया के पास। मैं समझ गई कि उसके घर वाले इतने परेशान क्यों थे। बेचारे किस मुंह से कहते कि इतना बड़ा हादसा हो गया। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? पागल हो गई क्या? आप क्यों जाना चाहती हैं वहां? नहीं, क्या मिलेगा क्या वहां पे जाके आपको, बताइए ना। क्या करूंगी से मतलब क्या तुम्हारा करण? मैं जाऊंगी, उससे मिलूंगी। आफ्टर ऑल वो मेरी बेटी की तरह है। और तो और, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। शादी होने वाली थी माँ, अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, अभी सब खत्म, अभी सब खत्म, अभी वो इस लायक नहीं है, अभी वो इस लायक नहीं है, समझिए आप। अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो सब भूल जाइए, पुरानी बातें। और उनसे बात करने की, उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, समझी? क्या कह रहे हो तुम करण? वही जो आपने सुना। वैसे भी ये दिया मुझे खास पसंद थी नहीं, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है मुझे उससे। मैंने सोचा था कि वो पैसे कमाएगी और मैं अपने सपने पूरे करूंगा, लेकिन अभी वो किसी लायक नहीं बची, सब खत्म हो गया। नारियल जो है ना, वो मंदिर में देवता के सामने तब तक ही चढ़ाया जा सकता है जब तक वो फूटा ना, और एक बार वो फूट जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। और दिया जो है ना, वो वही फूटा नारियल है जो अब किसी भी पूजा में चढ़ाने के लायक नहीं बचा है। ये करण, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, और मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला दूं, जब दिया के साथ वो हादसा हुआ तब तुम उसके साथ थे, और अगर चाहते तो उसकी रक्षा कर सकते थे, मगर नहीं, तुम कायरों की तरह वहां से दूम दबाकर भाग निकले, उसको अकेला छोड़कर। तुम कितने बड़े कायर और स्वार्थी हो ये तो मैंने कल ही देख लिया था, मगर कितने घटिया इंसान हो ये आज मुझे पता चला। ओ मेरी मदर इंडिया, ये लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और बहुत अच्छा हूँ, और मुझे ना किसी से मेडल लेने की जरूरत नहीं, समझिए आप। तुम्हें जो करना है करण तुम करो, मगर मैं जा रही हूँ दिया से मिलने। माँ, आपको बोला ना, आप नहीं जाएंगी मतलब नहीं जाएंगी, बस। मुझे मत छूना। दिया, मत छूना। खा लो बेटा। मत छूना। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, आओ मेरे पास खाना खा लो। मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, मत छूना मुझे, दूर रहना मुझसे। दिया बेटा प्लीज, हम सब तुम्हारे अपने हैं ना, डरो मत, खाना खा लो थोड़ा सा,
प्लीज बेटा जाओ यहाँ से, मुझे मत छूना। मेरी बच्ची, मुझे ये बच्चा छोड़ो। बात सुनो दिया। आगे मत बढ़ना वरना मैं सबको मार दूंगी। मुझे मत छूना। दिया, दिया, जाइए यहाँ से। दिया, चोट लग जाएगी बेटा। फेंक उसे, फेंक दे बेटा। हम सब तेरे अपने हैं बेटा। कोई नहीं छुएगा मुझे, कोई नहीं छुएगा। बेटा हाथ में लग जाएगा। मार दूंगी। दिया, फेंको इसे, फेंको इसे। काम डाउन मुझे, काम डाउन। दिया, सुनो बेटा। पीछे जाओ। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने लोग हैं। देखो, मैं डॉक्टर आंटी, आप बचपन से मेरी दवाइयाँ लेते आ रहे हो। ये आपकी मम्मी, ये आपके पापा और ये भैया, इन सब से क्यों डर रही हो बेटा? दिया, दिया, मेरी तरफ देखो दिया। देखो मैं देवेश, मैं तुम्हारा भाई। तेरे चोट लग जाएगी बच्चा। फेंक दे इसे, फेंक दे इसे! होश में आओ बेटा। देखो देखो, तुम अपने ही घर में हो। देखो दिया, ये तुम्हारा बेड है, वो आपका पीसी है ना बेटा? ये चोट लग जाएगी बेटा, फेंक दे उसे। जाओ मुन्नू, मुन्नू मैं अपने आप को मार दूंगी। दिया, मैं अपने आप को मार दूंगी। बेटा, बेटा कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, फेंक दो उसे। डॉक्टर प्लीज पीछे। मेरी बच्ची। बेटा बेटा, हम सब यहाँ हैं, कोई नहीं आएगा पास में बेटा। ये फेंक दे बेटा, कोई नहीं छुएगा मुझे। दिया, काम डाउन बेटा। देखो सब पीछे है, कोई आगे नहीं आ रहा। चलो नीचे रख दो कांच। अच्छी बच्ची हो ना मेरी, रख दे, रख दे, फेंक दे बेटा। गुड, बैठ जाओ, आराम से, आराम से। आप लोगों को इसे जबरदस्ती पकड़ना होगा ताकि मैं इसे इंजेक्शन दे सकूं और ये आराम से सो सके। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे भाई साहब? दिया को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत। कब से समझा रही हूं मैं आपको। क्या करण, काम बना दे रहा गई? मुझे तूने ऑडिशन दिया था फिल्म का, वहां से कॉल आया? नहीं यार, कास्टिंग वाले को देख के लगा था कॉल करेगी, पर किया ही नहीं। क्यों भाई, तेरा जादू नहीं चला उस पर? बेटा जादू तो चलेगा उस पे, नहीं तो किसी और पे सही। हां दोस्त, लेकिन देखता है कि जादू लड़की पे ही चले, किसी और पे ना चले। सही है यार। हे करण, हाय, सॉरी, मॉर्निंग। चल करण, यू कैरी ऑन, मिलते हैं। ओके, ओके, सी यू लेटर, बाय। क्या हो? ओ, ये वो शूटिंग में चोट लग गई। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, पार्टी बनती है तुम दोनों से। डेट फिक्स हो गई? नहीं सॉरी, अब हम लोगों की शादी नहीं होगी, कैंसिल हो गई। क्या, क्यों? बस यार, हम साथ नहीं है अभी। मजाक कर रहे हैं?
नहीं। लेकिन क्या हुआ ऐसे अचानक से? बस यार ब्रेकअप हो गया। और वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अचानक ही होती हैं। चलता हूं। ये अचानक से क्या हो गया? तो कल इसीलिए दिया ऑफिस नहीं आए थे। हेलो। नमस्ते आंटी, शौर्य बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा। वो आंटी दिया से बात करनी थी। सॉरी बेटा, दिया से तो अभी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो घर पे है नहीं और उसका फोन भी घर पे ही छूट गया है। कहाँ गई वो आंटी? दिया, हाँ दिया करण के साथ लुनावला गई है बेटा। करण के साथ? हाँ बेटा, उन दोनों की शादी फिक्स हो गई है ना, इसी खुशी में दोनों साथ में घूमने गए हैं लोनावला। वो एक आध हफ्ते में वापस आ जाएगी। आएगी तो मैं बता दूंगी उसे, ठीक है? अच्छा आंटी। ये आंटी झूठ क्यों बोल रही है? कुछ गड़बड़। माँ, शौर्य, बहुत ही वेयर्ड चीज हुई है माँ। क्या? वो करण मिला था। कौन करण? माँ वो दिया का मंगेतर है ना, था है पता नहीं। मैंने बताया था ना उस दिन वो दोनों की शादी की डेट निकली है। हाँ उसी दिन ना जब तुमने उसे वापस भेज दिया था। वही वही उसी दिन। तो क्या हुआ? वो करण कह रहा था कि दोनों की शादी नहीं हो रही, ब्रेकअप हो गया है और शादी टूट गई। ब्रेकअप हो गया? तुम तो कह रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली माँ, मैंने भी यही सोचा था पर समझ में नहीं आ रहा अचानक से ब्रेकअप कैसे हो गया। तुमने दिया से बात की? माँ वही तो, मैंने दिया के घर पे फोन किया, उसकी माँ ने उठाया, उन्होंने मुझसे कहा कि वो करण के साथ लोनावला गई। How strange is that? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? शौर्य हो सकता है ना शादी टूट गई है, दिया बहुत डिस्टर्ब होगी इसलिए बाहर भेज दिया होगा। किसी भी लड़की का शादी टूटना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया होगा। पर माँ दिया मुझसे दिया ने मुझसे बात तक नहीं की और उसकी मम्मी ने कहा कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर गई। एक हफ्ता हमारे से रिपोर्टर। इट्स ओके शौर्य, उसकी शादी टूटी है, थोड़ा वक्त दो उसे संभलने में। तुम स्ट्रेस मत लो शौर्य। भाई कल बहुत गुस्सा था यार, कितनी गलतियां करता है तू, कितनी। इस बार कोई गलती की ना मैं नहीं बचाने वाला हूँ भाई से। ओके गेट टू वर्क। अरे रामू काका ठंडा पानी पिला दीजिए। सर लाता हूँ, पर वो अभी शौर्य सर के केबिन में जा रहा हूँ। एक सेकंड, शौर्य भाई तो ऑफिस में नहीं है। सर ये जरूरी इनवेलप उन्हें देना है। दिखाइए मुझे, अब पानी लाइए मुझे। आवाज के लिए एक और सच। या थैंक्स थैंक्स। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे भाई भाई सुनो ना भाई। हाँ भाई सुनो तो। हाँ क्या है? कुछ आया है? क्या है? कुछ सनसनीखेज खबर लग रही है। देखो आवाज के लिए एक और सच। एनोनिमस। यप। बहुत दिन बाद कुछ गुमनाम है।